जयपुर में कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए करीब 2 दर्जन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध लोग कर्फ्यू को छोड़कर दूसरे इलाकों में अभी भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते अन्य दर्जनों लोगों इनके संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया है। ऐसे में पुलिस ने कई मामले भी दर्ज किए हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता की माने तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस के साथ आरएसी जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही ड्रोन से नजर रखते हुए अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है, ताकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। ये इक्का दुक्का इस तरह की चीजें हुई हैं, तो उसमें हम मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भट्टा बस्ती से जो लोग निकले थे झोटवाड़ा में, और वहाँ उन्होंने कोई दुकान खोली थी, तो हमने झोटवाड़ा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एपिडेमिक एक्ट और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया है 188 IPC के तहत, और उनको अरेस्ट भी किया है। इस तरह की और भी इक्का दुक्का ऐसी घटनाएँ हुई थी, जैसे पहले रामगंज से 2 महिलाएँ मुरलीपुरा निकल गई थी, उनके खिलाफ भी मुरलीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तो बराबर ये इस तरह की इक्का दुक्का छुटपुट जो घटनाएं हो रही हैं उसमें